बरेली में लोहड़ी के उपलक्ष्य में पंजाबी महासभा की ओर से लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई से पहुंचे गायक रंजीत रंधावा के पंजाबी गीतों पर लोग देर तक झूमे। रविवार शाम पीलीभीत बाईपास स्थित एक रिसोर्ट में कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहारनपुर विधायक राजीव गुंबर, आरएसएस के विभाग कार्यवाहक शशांक भाटिया और ओमवीर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की, जिसके बाद जब गायक रंजीत रंधावा ने गाना शुरू किया तो लोग अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए। महिलाओं और बच्चों के साथ सभी ने जमकर डांस किया। इस मौके पर लोहड़ी जलाकर लोगों ने पारंपरिक लोहड़ी गीत भी गाए। वहीं बेटियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में चार नवजात बेटियों और उनकी माताओं को उपहार देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि शशांक भाटिया ने कहा कि विभाजन का दंश झेलने के बाद भी पंजाबी समाज देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। वहीं पंजाबी महासभा के संयोजक प्रवीण सेठी ने कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जबकि नगर अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री संजय आनंद ने कहा कि पंजाबी महासभा जनसेवा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती आ रही है। वहीं कार्यक्रम में अनूप कपूर, डॉक्टर विनोद पागरानी, डॉक्टर महेंद्र सिंह वासु, संरक्षक गुलशन आनंद, भरत भूषण भसीन, अमित अरोड़ा, महिला इकाई अध्यक्ष मनीषा आहूजा, नेहा साहनी, सोनिया सेठी आदि मौजूद रहे। जो ये पंजाबी महोत्सव कई वर्षों से करती चली आ रही है, ये एक रंगारंग कार्यक्रम और एक पारिवारिक कार्यक्रम पंजाबी महासभा ने किया है, जिसकी सराहना सभी लोगों ने की है, और एक लजीज खाना जो आज तक नहीं किया गया, जो आज किया गया उसकी भी सभी लोगों ने तारीफ की। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम जो एक परंपरा पंजाबी महासभा ने डाली थी, उसका निर्माण किया, उसके हिसाब से कार्यक्रम किया गया। ऐसी कुछ बेटियों को सम्मानित किया आज, हमने चार बेटियों का सम्मान किया जो इसी वर्ष जो पैदा हुई है, और हम लोग लड़कों की लोहड़ी मनाया करते थे और आज हमने लड़कियों की लोहड़ी।